नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विश्वकर्मा टेक्निकल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वाटर फिल्टर RO इसे कैसे रिपेयर करते हैं और इसे कैसे इसमें फिल्टर को चेंज करना चाहिए, यह पूरी जानकारी हम जानेंगे आज। सबसे पहले हमको इसे इसके बैक कवर को पहले ओपन कर लेना है। कवर ओपन करने के बाद हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें चार कॉटरेज लगे हुए हैं। पहला सेडिमेंट का होता है जो प्राइमरी होता है फिल्टर, दूसरा होता है कार्बन, सेडिमेंट से कार्बन में, और कार्बन से फिर यह जो है मेम्ब्रेन में जाता है। मेम्ब्रेन से होते हुए यह पोस्ट कार्बन में जाता है। पोस्ट कार्बन के बाद यह फिल्टर पानी फिल्टर होके टंकी में आउटपुट हो जाता है। अब इसके बाद हम पूरे फिल्टर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि इसका वायरिंग और इसका कनेक्शन कैसे करना है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है यह भी हम आपको बताएंगे। यह मेम्ब्रेन है और यही पानी को मेन फिल्टर करने का काम करता है। कभी कभी यह पानी का फ्लो कम हो जाता है तो यह मेम्ब्रेन चोक होने के कारण पानी को यह सही फिल्टर नहीं कर पाता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन लगा हुआ है, देखिए यह हरे रंग का जो कुटी दिख रहा है यह मेम्ब्रेन है। इसको पेचकस के माध्यम से इसे खींच के निकालते हैं और इसे चेंज कर देंगे, फिर वापस हाउसिंग में फिर लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से टाइट करके लगाना है, अगर ढीला हुआ तो यह एयर ले लेगा। सबसे पहले चलिए अब हम आपको बताएंगे कि फिल्टर का कनेक्शन कैसे किया जाना है। इसके लिए सॉलिड वाल्व दिया हुआ है जो एक रिले पानी के पाइप में एक रिले का काम करता है, गेट का काम करता है, उसको हमको पंप के थ्रू जोड़ देना है। और एक ऊपर में जो केबल आई हुई है जो ओवरफ्लो का है उसको हमको एडाप्टर के सीरीज से, एडाप्टर के जो सप्लाई आउटपुट है उसको सीरीज में होते हुए पंप में देना है ताकि ओवरफ्लो होने के बाद में वह पानी का जो मोटर है उसको बंद कर दे। वायरिंग होने के बाद में सबसे पहले हम सॉलिड वाल से सेडिमेंट को जोड़ते हैं। यह पहला कॉटरेज होता है जिसमें पानी सबसे पहले आता है। इसको लगाते समय यह ध्यान रखेंगे कि इसका फ्लो किस साइड में है, इनपुट और आउटपुट को ध्यान रखना है। अगर आपने उल्टा लगाया तो यह पानी का फ्लो नहीं करेगा, तो इनपुट और आउटपुट या तो लिखा होगा या फिर तीर का निशान होगा जिधर पानी का फ्लो होना है।
सेडिमेंट लगाने के बाद हमको कार्बन लगाना है, कार्बन फिल्टर, और सेडिमेंट के आउटपुट से कार्बन फिल्टर के इनपुट को केवल पाइप को जोड़ना है। क्योंकि इस सेडिमेंट में इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही साइड में दिया हुआ है, और कई फिल्टर में ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर के साइड में इनपुट और आउटपुट जो होते हैं, फ्लो जो होते हैं, वो नीचे के साइड होता है। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। और जनरली जितने भी फिल्टर होते हैं उसमें सेडिमेंट का ही प्रॉब्लम होता है, वही चोक हो जाता है। इस तरह से हमारा कार्बन फिल्टर भी लग गया है, और इसका जो आउटपुट है नीचे से है। मेमोरॉन को इसके बाद लगाते हैं, और मेमोरॉन के इनपुट में कार्बन जो फिल्टर है उसका आउटपुट देते हैं। और आप लोग कोशिश किया कीजिए कि अगर फिल्टर चेंज कर रहे हैं तो उसका केबल भी चेक कर लें, पाइप जो होते हैं। जनरली यहाँ पाइप के वजह से ही एयर लीकेज होता है और आपका सही प्रेशर नहीं बन पाता है, तो आप पाइप नया लगाएं। अगर किसी फिल्टर में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो पानी नहीं खींच रहा है, तो आप सबसे पहले पाइप को चेक करें। कार्बन फिल्टर के बाद हमने इसमें मेमोरॉन लगा दिया। मेमोरॉन लगाने के बाद में हम इसमें पोस्ट कार्बन लगाएंगे, जो मेमोरॉन से पानी छन के अलग होगा, उसके बाद यह पोस्ट कार्बन में जाएगा, और पोस्ट कार्बन के बाद यह पानी के टंकी में जाएगा जहाँ स्टोरेज है। देखिए यहाँ पर फ्लो है, एरो का निशान दिख रहा है आपको, ये हमने उसको ऊपर किया है क्योंकि टंकी ऊपर में है, स्टोरेज टंकी। इसको फिट करने के बाद में हम मेमोरॉन से जो पानी फिल्टर हुई है उसको पोस्ट कार्बन से कनेक्ट करेंगे। मेमोरॉन से पोस्ट कार्बन में यह केबल लगने वाला कंप्लीट हो गया, और यह जो दूसरा जो मेमोरॉन में जो पाइप दिख रहा है वो है फ्लो स्टिक, वेस्ट पानी निकलने के लिए उसमें एक फ्लो स्टिक लगा हुआ है 450 नंबर का। इस तरह से हमारा जो फिल्टर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमारे ये ऊपर का जो केबल है, जो टंकी का ओवरफ्लो है, उसको हम जोड़ देते हैं एडाप्टर के थ्रू, ताकि हमारा जो ओवरफ्लो टंकी का जो पानी भर जाने के बाद में यह मोटर को ऑफ कर दे। इस तरह से इसका कनेक्शन को करना है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा यह कमेंट करें, और अच्छा लगे
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो।